हमने देखे हैं बहुत दुश्मनी करने वाले, वक्त की हर सांस से डरने वाले, जिसका हामी है खुदा कौन उसे मार सके, हम नहीं बम और बारूद से मरने वाले। ये देखिए मेरा भाई, इसका पेपर है, आता कुछ नहीं है इसको, जो रियलिटी है आता कुछ, सच बताना पढ़िए क्या है। कनेक्टर ले लिया है, देन लेते हैं माइक, ये आपको पता है फिर कितना पड़ता महंगा। हम पहुंचे थे यहाँ पे आई कंसेप्ट में, और गाइस दोनों चीज़ें ले ली हैं, तो करते हैं इसको कनेक्ट और फिर देखते हैं कैसे आवाज़ आ रही है। गाइस जी, मैं आपसे एक बात कर रहा था, कि जो ये गाड़ियाँ लेके बने हुए ना, अपने आप को स्टार बनाते हैं, हम ये हैं जी, हम वो हैं, भाई कुछ नहीं हो तुम। जब मुँह आते हैं सामने तो कोई कहीं नहीं जाता, कबर 5x4 की, प्लीज़ हेड ना फैलाएं, ना एक दूसरे को बीफ करें या कुछ करें, तो कुछ नहीं मिलता। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, काफ़ी दिन से बीमार चल रहा हूँ, और आप ये देख ही सकते हैं क्योंकि मैंने कोई 10-12 किलो आम लाए थे और अकेले ही खा दिए, तो उस चक्कर में मुझे पड़ गई गर्मी, और गर्मी कहाँ कहाँ से निकल रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो देन आज चले हैं हम, भाई का छोटे भाई का पेपर है तो उसको सेंटर छोड़ते हैं, और साथ में आपने सोचा होगा यार ये रोज़ ब्लॉग ही नहीं बना, यार रोज़ ब्लॉग बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको फेक कंटेंट बताऊं या ऐसे किसी को पकड़ लूं, अब मैंने ये कर दिया उसके साथ, मैंने वो कर दिया, कुछ गधे भी चल रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, गधे भी चल रहे हैं आजकल, अपने ही डेले मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ नहीं बोल सकते, तो चलो गधों को गधे ही रहने दो। अरे ये तो धोती खोल रहा है जो है साइड पे, फेक कंटेंट उनको ही बनाते हैं, हम रहते हैं जेन्युइन, तो निकलते हैं घर से, ध्यान आपको रास्ते में मिलते हैं और सब कुछ बताते हैं। लो गाइस, हम निकलते हैं घर से, और आप बिना माइक के ऐसे ही सुनो यार, माइक लेना था आज सोच रहा हूँ मैं माइक ले ही लूँ, तो घर से निकलते हैं फिर माइक वगैरह लेते हैं, पहले इसको छोड़ेंगे देन माइक लेंगे फिर आ जाएंगे। तो चलो घर से निकल पड़े हैं, देखते हैं आगे जाके मिलते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। और गाइस आपको क्या बताऊं यार, कुछ हमारे जम्मू के यूट्यूबर्स हैं, मानता हूं उनके बड़े बड़े सब्सक्राइबर होंगे, बड़े बड़े फॉलोअर होंगे, मगर यार ये थोड़ा सा ढंग में रहो तो बहुत अच्छा है, अपने आप को ऐसे बताते हैं यार हम ही खुदा हैं। और देखिए क्रैश होने वाला था अभी वीडियो बनाने के चक्कर में। देखिए गाइस ट्रैफिक चेक कर सकते हैं आप। फिलहाल गाइस हम पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन के पास, तो यहाँ इसका जाना है त्रिकुटा नगर मार्केट वाली साइड है, तो इसको उधर वहाँ छोड़ेंगे, देन उधर से हम चले जाएंगे सीधा गांधीनगर, वहाँ से लेंगे इसका माइक, क्योंकि आपको अभी फटी फटी आवाज़ आ रही होगी, तो माइक लेते हैं, बिना माइक के ही बना रहा हूँ गाइस, स्ट्रगल देखिए आप मेरा। सेंटर पहुंच गए इसके, ये देखिए मेरा भाई है, इसका पेपर है, आता कुछ नहीं है इसको, जो रियलिटी है आता कुछ, सच बताना पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पढ़िए क्या रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, कल टेंशन लेनी पेपर का, कर देनी है जिंदगी है, करना के कख नहीं करना, टेंशन नहीं है, बस उत्थें रब का नाम लैना तो जय श्री राम लिखी आना, ठीक है, बाकी पास रब ने कराना, ठीक है। तो चलो हम इसके सेंटर पहुंच चुके हैं, गाइस मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, अगर ये पहुंच गया अगर तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इधर ही रह जाएगा। गाइस भाई को छोड़ आया हूँ मैं उधर, मैं उसको बोला आ जाना वापिस जैसे मर्जी करके, तो हम चले अभी कनेक्टर लेने और माइक लेने में बेस है, कनेक्टर क्या करेंगे माइक लेंगे क्योंकि आवाज़ ज़्यादा अच्छी आ नहीं रही है, तो उसी चक्कर में लेते हैं यार, बड़ा हो गया काफ़ी दिन हमने स्ट्रगल कर दिया, अब करते हैं कुछ ना कुछ, तो चलो लेते हैं पहले माइक वगैरह, पहुँचते हैं गांधीनगर, वहाँ से माइक वगैरह लेंगे, देन नेक्स्ट देखेंगे हमने क्या करना है। तो गाइस आई कॉन साहब पहुँच चुके हैं, और जो था ये कनेक्ट,
चलो पेमेंट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। कनेक्टर ले लिया है, देन लेते हैं माइक। ये आपको पता है फिर कितना पड़ता महंगा। हम पहुंचे थे यहाँ पे आई कंसेप्ट में, ये ले लिया। और गाइस दोनों चीज़ें ले ली हैं, तो करते हैं इसको कनेक्ट और फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं। चलो फिलहाल हम पहुँचे हैं गांधीनगर। और ये देखना यहाँ पे चेंज हो गया कुछ, बिल्कुल रोड ही चेंज कर दिया उन्होंने। बाइक पता नहीं कहाँ लगाई थी मैंने, याद नहीं है मुझे, ये लगी है। लो गाइस माइक हो गया फिट। अब मुझे बताना कैसी आवाज़ आ रही है, कैसी क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, वो भी बताना। तो चलो आज इस साइड में आया था, इधर तो काफ़ी चेंज कर दिया उन्होंने, रोड हटा ही दिया है और ये टाइलें लगा दी हैं छोटी छोटी। तो बताना वीडियो क्वालिटी कैसी लगेगी या मेन है जो आवाज़ है वो कैसी आएगी, क्योंकि अभी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। पहले तो मैं ऐसे बनाता था लेकिन आज खर्चा कर दिया मैंने। मैं चलो ज़रूरी भी अब काफ़ी क्या कर सकते हैं। वो इतनी सी तार है, इतनी सी छोटू सी, वो गाइस मैं क्या बताऊँ, 900 रुपये की। अगर घर पे किसी को पता चला ना मैंने वो ली है, मम्मी के ही पैसे उड़ाए जा रहा हूँ गाइस, क्या करूँ। अपने कहाँ से आने, अभी अपने आ रहे ही नहीं है। फिलहाल हम पहुँचे हैं गांधीनगर, गोल मार्केट क्रॉस कर दी है। तो यार ये जो एक क्या कहते हैं इसको मोटो ब्लॉगिंग है, ये बंदा पागल ही हो लगता है, खुद से ही खुद बातें करता रहता है और कुछ नहीं। भाई जी मैं आपसे एक बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि जो ये गाड़ियाँ लेके बने हुए ना, अपने आप को स्टार बनाते हैं, हम ये हैं जी, हम वो हैं। भाई कुछ नहीं हो तुम, जब मौत आते हैं सामने तो कोई कहीं नहीं जाता। कब्र 5x4 की और इसको जलाया जाता है, तो वहाँ पर लकड़ियाँ काम आती हैं और ये गाड़ियाँ गुड़ियाँ यहीं रह जाती हैं। तो प्लीज़ हेड ना फैलाएँ, ना एक दूसरे को बीफ करें या कुछ करें, तो कुछ नहीं मिलता। जितने कंधे हों इतने ही अच्छे हैं, बाद में कोई लेता भी नहीं उठा के, ठीक है। तो ये गदे गुदे वाला अपन रह दो, छोड़ना कुछ करना, तो चुप करके लाइफ इंजॉय करो और कुछ नहीं है। और बाकी हम आपको बता ही देंगे कहाँ पहुँचे हैं। रेहाड़ी पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ से सामान लेंगे, फ्रूट वगैरह, और देन घर निकल जाएंगे। भाई मैं आपको क्या सुनाऊं कसम से, वहाँ पे मैं गया था फ्रूट लेने, फ्रूट तो उसमें आम लेके आ गए, बाकी दूसरा और कुछ मिला ही। इतनी महंगाई है। और जो आलू बुखारे जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछता, वो 200 रुपये किलो, ठीक है। एक ही चीज़ सस्ती मिल रही थी वही लेके आ गया हूँ, आम वो थे 100 रुपये के 2 किलो, वो ले लिए हैं। बाकी तो हाथ नहीं लग रहा, बाकी यार मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ये भी बहुत है, क्या कर सकते हैं। इतने अमीर तो है नहीं हम कि इतने महंगा महंगा फ्रूट खाएं। हाँ ये एसेसरी लेने के लिए पैसे थे, पता नहीं कहाँ से उड़ाए, क्या किए, मम्मी को पता भी नहीं लगे, भगवान कसम। नहीं तो उन्होंने मैसेज देख लिया, उन्होंने हाँ फ्रूट लाने में तुझे मौत पड़ रही थी और ये लेके आ गया तुम उठा के, एक छोटी सी वायर और एक माइक, इसके 1500 खर्च दिए गाइस मैंने, और मेरे से 100 रुपये के आम नहीं लेने जा रहे थे। ऐसे लग रहा था हार्ट अटैक हो जाएगा, पता नहीं क्या गाइस। जब आप अच्छी सी चीज़ लेने में घुसते हो ना, अच्छे से मॉल वगैरह में, जैसे मैं आई कंसेप्ट में गया था, तो वहाँ पर मैंने तो खर्च दिए वैसे, लेकिन इधर आके इधर मन ही नहीं कर रहा था पैसे खर्चने का, पता नहीं क्या हो गया था। अंदर जाऊँ मैं सोचूँ यार छोड़ पड़े क्या करना फ्रूट खा के, फिर मैं कभी कुछ करूँ। मम्मी कह रही आलू बुखारे ले आना, आलू बुखारे लिए नहीं और ये आम ले लिए, तो देखते हैं। अब गर्मी जाके उनको बोलूँगा महंगे बढ़े थे क्या करना, कहाँ से खाओगे। तो चलो हम पहुँच गए इस वक्त रेहाड़ी, और यहाँ से घर कोई 3-4 किलोमीटर, 3-5 किलोमीटर, देन जाते हैं घर, फिर जिम ही निकलते हैं। और गाइस घर पहुँच चुके थे, आते वक्त ना एक चीज़ मम्मी ने कहा था लाने के लिए, तभी मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाया। उसको रखना कहाँ था, ये ढक्कन लाया था, ये ढक्कन टूट गया था मेरे से, कल परसों में आया था छत पे, मैं ऐसे हवा में खेल रहा था और ढक्कन टूट गया, गफे पड़े। चलो ये ले आया मैं ढक्कन, तो ये भी ठीक हुआ है। और मौसम जो बना हुआ ना हमारे जम्मू में, ये मैं बयान नहीं कर सकता कसम से, इतना तगड़ा मौसम। आज जून का पहला दिन है और कसम से हमारे जम्मू में ना गर्मी हुई नहीं इस बार,
बिल्कुल भी इतना ही, एक दो दिन गर्मी पड़ी थी उसके बाद फिर बारिश, रोज बारिश रोज बारिश, पता नहीं चल रहा हमारे जम्मू में हो रहा क्या है। और साइंटिस्ट कह रहे हैं इस बार गर्मी कम पड़ेगी अपने हमारे जम्मू में, बाकी का पता नहीं, हमारे जम्मू में इस वक्त है ही नहीं इससे बाद गर्मियाँ। तो ये मौसम देख सकते हो आप, पकौड़े खाने वाला मौसम हो गया। क्या क्या बोला तूने, एक पहले क्या बोला, चल चल चलो। अरे ये देख सो, ये हमारा जम्मू पूरा, देखिए गाइस इस साइड जम्मू, और मौसम देखिए जो बना हुआ है, लोग पत्नीटॉप जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो भाई हमारा जम्मू भी ठीक ही है। ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੀ ਉਹ ਹੈ।